का नाम बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक है। फिल्मों में अपार सफलता पाने के बावजूद मां बनने के बाद काजोल ने इंडस्ट्री से ब्रेक लेकर अपने बच्चों की परवरिश की है। काजोल के दो बच्चे हैं न्यासा और युग। आपको जानकर हैरानी होगी कि काजोल भी मिसकैरेज का दर्द झेल चुकी हैं। साल 2001 में बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल का मिसकैरेज हुआ था। काजोल को एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी जिसकी वजह से उनकी जान तक को खतरा था। डॉक्टरों ने काजोल को तुरंत ऑपरेशन करवाने की सलाह दी थी। इसके बाद काजोल ने सन 2011 में बेटे युग को जन्म दिया था। इस बार काजोल की प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी। जी हाँ, आपको बता दें कि काजोल के मिस कैरेज के बाद अजय देवगन ने इस बारे में बात करते हुए बताया था कि उस समय काजोल कभी खुशी कभी गम फिल्म की शूटिंग कर रही थी और इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हुई और उनका गर्भपात हो गया। इतना ही नहीं, एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद काजोल का दोबारा मिस कैरेज हुआ था। ये समय काजोल और अजय के साथ साथ उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किल रहा था। काजोल के मिस कैरेज के बारे में अजय ने बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से काजोल की जान खतरे में थी, जिसकी वजह से तुरंत फैसला लेना पड़ा। इस ऑपरेशन में उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, लेकिन उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। हालांकि इसके बाद काजोल ने एक बेटे को जन्म दिया और इसके बाद उनके पास एक बेटी भी है। जी हाँ, एक बेटी और एक बेटा उस परिवार को पूरा करता है। अपने बच्चों के साथ उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है। आपको बता दें, जब उनके दोनों बच्चों का जन्म हुआ तब काजोल ने फिल्मी दुनिया से बिल्कुल दूरी बना ली। आपको बता दें कि अपने बच्चों की काफ़ी अच्छी तरीके से परवरिश करती हैं और हमेशा ही उनके साथ रहती हैं। फिल्मों से दूर रहकर अपने बच्चों की काफ़ी अच्छी तरीके से काजोल परवरिश करती हुई दिखाई देती हैं। आपको इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। सुरभि की रिपोर्ट।